ठीक ही तो कह रहा है भाई, हमसे तो वो बच्चे नहीं संभल सकते थे। बहुत सुनारा की हिम्मत है उसे संभालने। मगर जी ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। मुमकिन है कि ये सुन के तुम डिस्टर्ब हो जाओगी, इसलिए ना बताया। जिस औरत को मैं एक लम्हे के लिए अपने बच्चे नहीं दूं, जी ने उसको मेरे दोनों बच्चे दे दिए। यजीम चाचू को नहीं, अम्मा भी का फैसला था। But जी इज द फादर, वो फैसला भी तो जी का होना चाहिए ना। अजब जा बस अपने कमरे में, चल। Come on, Dad. आप बहुत लेजी हो गए हैं। खाना खाते हैं, मेडिसिन खाते हैं और दोबारा सो जाते हैं। आपने अपने आप को इस कमरे में कैद करके रख दिया। हाँ यार, तो मुझे डॉक्टर ने आराम करने का कहा, वही तो कर रहा हूँ। डैड, डॉक्टर की बाकी ने सेहत होगा क्या है? उन्होंने आपको हेल्दी लाइफस्टाइल ज्वाइन करने का कहा है। ये तो है यार, तो जितना सोऊंगा उतनी मेरी सेहत बनेगी ना यार। ये तो आप भी जानते हैं कि डॉक्टर का हेल्दी रहने से क्या मतलब है। आपने एक्सरसाइज करना, वर्कआउट करना सब छोड़ दिया है। इनफैक्ट आप ऑफिस भी नहीं जा रहे। डैड, कम से कम कोई फिजिकल एक्टिविटी कर ले। बस इस कमरे में पड़े रहते हैं और मॉम की फिजूल बातें सुनते रहते हैं आप। शेम ऑन यू अरमान, माँ की बातें अब तुम्हें फिजूल लग रही हैं। मॉम, मैं तो जस्ट डैड को कन्विंस कर रहा था कि यू शुड स्टार्ट वर्कआउट। क्यों तू बच्चे को डरा रही है? सुबह के 7 बज रहे हैं, आप सोए नहीं हैं? आप तब से जागी हुई हैं। रात में भी न जाने आप कहां थी, मैं काफी थका हुआ था, सो गया था। रात में आप और एनी बात कर रहे थे तो मुझे मुनासिब नहीं लगा बहन भाई को बीच में डिस्टर्ब करना, इसलिए मैं बाहर चली गई थी। फिर अम्मी की कॉल आ गई थी, उनसे थोड़ी देर बातें होती रहीं। कमरे में जब तक वापस आई उस वक्त तक आप भी सो चुके थे। रात में महानूर से भी बात हुई थी, आपकी खैरियत पूछ रही थी वो। ये आंखें पूरी रात की जागी हुई, रोई हुई। घर में तो कोई परेशानी नहीं है? नहीं। तो फिर माजपीन, मैं आपके लिए नाश्ता बना के लाती हूँ। कह देना आप मेरे लिए परेशान हो रही थी। ये आंखें सारी रात मेरे लिए रो रही थी, ये दिल मेरी सलामती की दुआएं मांग रहा है। प्लीज कह दे। कभी कभी कहना जरूरी नहीं होता।
अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि डाकुओं ने हारिस को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। आशुपीन बहुत ट्रॉमा में है, मेरी बात हुई थी उससे, बहुत परेशान है और डरी हुई है। साहिर है डरी भी तो होगी, पहले ही कितने बड़े हादसे से गुजर चुकी है। पर आई एम ग्लैड आशुपीन को हारिस बहुत खुश रखता है, वरना जिन हालात में इनकी शादी हुई थी, जिस तरह से इनको घर से बाहर निकाला गया था, उसके बाद तो कोई भी आशुपीन के साथ बुरा सलूक करता ना। बट हारिस इज अ वेरी डिसेंट पर्सन, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरी बेटी बहुत खुश और सुकून में है। आपसे एक बात पूछूं? पूछो। मैं जब हॉस्पिटल में थी तो बच्चों का ख्याल किसने रखा? हम सबने मिलकर ही रखा, मैंने, अम्मा बी ने, राजदा ने, महानूर ने, सबने मिलकर रखा, उनके खाने पीने का, खेलने कूदने का बहुत बहला के रखा। और हुस्मा? हाँ, वो भी कभी कभी देख लेती थी बच्चों को। सिर्फ बच्चों को या अजीम को भी? भला अजीम का ख्याल रखने की किसी को क्या जरूरत है, वो तो माशाल्लाह बड़ा है। हाँ, लेकिन यू नो, कपड़े प्रेस करना, धोना, खाना देना, बहुत सारी चीजें होती हैं। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैंने कहा ना, हम सब ने मिलके कर लिया। बस एक वक्त था जो गुजर गया खैर से। कॉफी पियो ना, ठंडी हो रही है। अम्मी आपको पता नहीं क्या सूझी है अचानक। अरे भाई, शादी तो एक ना एक दिन करनी ही है ना। बस मैंने सोच लिया कि मैं अपने सारे दिल के अरमान ना तुम्हारी शादी में पूरे करूंगी। भाई दुनिया में हजारों लड़कियां हैं, आपको उल्फत क्यों पसंद आई है? क्योंकि वो अपनी है। वो कहते हैं ना कि अपना मारता भी है ना तो छांव में डालता है। पता नहीं कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं। मैं इस हक में बिल्कुल नहीं हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि आप ये सिर्फ मानूर की जिद में कर रही हैं, वरना आपको क्या जरूरत है मेरी इतनी जल्दी शादी करवाने की। बस ठीक, फिर जिद है तो ये जिद ही सही। और अब अगर तुमने इनकार किया ना तो मेरा मरा मुंह देखोगे तुम। अम्मी, देखिए मोहब्बत सतरंगी पीर से जुम्मा रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।